नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल, अक्षय तृतीया के साथ साथ भगवान परशुराम का प्राकट्य उत्सव राजधानी भोपाल में धूमधाम से मनाया गया। इस पावन अवसर पर लालघाटी स्थित गुफा मंदिर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान हुआ। महंत राम प्रवेश दास के सानिध्य में मंदिर में विराजमान भगवान परशुराम की प्रतिमा का पंचामृत से अभिषेक किया गया और विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की गई। इसके उपरांत मंदिर परिसर में स्थित भगवान परशुराम की 21 फीट ऊंची प्रतिमा की भी पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी और पूर्व महापौर आलोक शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा और महापौर मालती राय, मध्य प्रदेश परशुराम बोर्ड के अध्यक्ष विष्णु राजौरिया समेत बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी बंधु शामिल हुए। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी भगवान परशुराम की पूजा अर्चना करने गुफा मंदिर पहुंचे। इस मौके पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। पूर्व सीएम शिवराज ने भी मंच पर बैठकर श्रद्धालुओं के साथ भजन गाए। आज भगवान परशुराम जी के चरणों की पूजा करने का हमको अवसर मिला और ये तो उन्हीं की इच्छा थी। व्यक्ति केवल निमित्त होता है, वो तो स्वयं भगवान के अवतार। अन्याय को समूल नष्ट करने के लिए इस धरती पर आए थे और उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। मुख्यमंत्री रहते हुए हर साल में जाना पाओ जाता था और जाना पाओ जो जन्मभूमि मानी जाती है, उस स्थल का विकास और वहां भगवान परशुराम जी का लोक बने, इस काम का शुभारंभ भी पिछले वर्ष जाना पाओ में हुआ था, क्योंकि यहां के बाद हम लोग जाना पाओ गए थे। उन सारे कामों को मोहन यादव जी की सरकार आगे बढ़ाएगी, क्योंकि सरकार के ये कर्तव्य हैं कि समाज को दिशा देने के लिए ऐसे लोग बने। पिछले साल भी हम सब भगवान परशुराम जयंती पर यहां उपस्थित थे और तब कई तरह के फैसले हमने किए थे। मुझे खुशी है कि वो सब क्रियान्वित हो रहे हैं। भगवान परशुराम जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि पूरे देश और भारत को, विश्व के कल्याण की कामना करता है, पूरे विश्व में हो और जो लोग अन्याय अत्याचार करें उनके खिलाफ जो कार्रवाई उस जमाने में हुई थी, भगवान ने की थी, वो इसलिए कि धर्म की रक्षा हो। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानम सुजाम्यम परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। हम सब का कर्तव्य है, हम भी न्याय के पथ पर चले। जीना वास्तव में उसी का जीना है जो दूसरों के लिए जीता है। अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी, पशु पक्षी भी, अपने लिए जिए तो क्या जिए। तू जिया दिल जमाने के लिए, लोगों के लिए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और हम लोग
इसी रास्ते पर चलने का सब प्रयत्न करें। राजनीति में काम करने वाले कार्यकर्ता भी, जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है, यही मानकर काम करें। मैं भी करने का प्रयत्न करता हूँ। हेलो, क्योंकि सबके कल्याण के लिए जी मैं लगा रहा हूँ 10 मिनट। प्रभु ने हमको इस धरती पर भेजा है। एक बार फिर मुझे याद है अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम जी की जयंती पर अवकाश घोषित करने से सिलसिला प्रारंभ हुआ था कि भगवान ने सौभाग्य दिया कि निमित्त बनाया। आगे भी ये सब काम आगे बढ़ते रहेंगे। आप सब भोपालवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को भगवान परशुराम जी की जयंती पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमको सद्बुद्धि मिले, हम सन्मार्ग पर चलें और अच्छे काम करके अपने मानव जीवन को सफल सार्थक बनाएं, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। बोले खबर समय जगत के संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।